आगाखनाशियामा के सदस्यमा वारे सुबाई वसीर सैयद कनी सहवायत एम के एम के लिसानी जेड़े जो टास्क निभे वाहे कराची जो वचो वचो जाने थो तो एम के एम वारा केतरा शरीफा हैं कराची में मीडिया से गाल बोल कंदे सैयद कनी चो तो वजीर आसम एम के एम वारन के नफीस माण्हू चई शराफत जो सर्टिफिकेट ॾेई छॾियो सैयद कनी चो तो मिनी बजट ते वफाक जे मुंतक समझ में नथी अचे इंडस्ट्रियल मशीनरी ते 162 अरब रुपयनि जो टैक्स लॻाए पियो करंट अकाउंट खसारे जो पुछण ते चवन था तरक्की थी रही है उन चयो तो हुकूमत आवाम के एक भेरो बीहर धोखो डी रही है हर शे महंगी थी पर जी डी ए एम के एम वारन एक लफ्ज़ भी न गलायो आग कई पवा के सदस्यवा वारे सूबाई वसीर सैयद कनी सहवायत एम के एम के लिसानी जेड़े जो टास्क दिनों वे वाहे कराची जो वचो वचो जाने थो तो एम के एम वारा केतरा शरीफ आहिन कराची में मीडिया से गाल बोल कंदे सैयद कनी चो तो वजीर आसम एम के एम वारन के नफीस माण्हू चई शराफत जो सर्टिफिकेट ॾेई छॾियो सैयद कनी चो तो मिनी बजट ते वफाक जे मुंतक समझ में नथी अचे इंडस्ट्रियल मशीनरी ते 162 अरब रुपयनि जो टैक्स लॻाए पियो करंट अकाउंट खसारे जो पुछण ते चवन था त तरक्की थी रही आहे हुन चयो त हुकूमत आवाम खे हिकु भेरो ॿीहर धोखो ॾेई रही आहे हर शइ महांगी थी पर जी डी ए एम के एम वारन हिकु लफ़्ज़ बि न ॻाल्हायो आटा महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और उसकी बिना पर जो आप और हम ज़रूरत की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना उसकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। सोने पे सवाल ये जो बार बार एक सवाल मैं करता हूँ, कल काबीना में ये जो मिनी बजट ये पेश हुआ और उस काबीना के अंदर एमकेएम भी बैठी थी, उस काबीना के अंदर जीडीए भी बैठी थी, उस काबीना के अंदर पीएमएलक्यू भी बैठी थी। पीटीआई वाले तो चले मजबूर हैं, अपने हैंडसम वजीर आजम के सामने बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जीडीए और एमक्यूएम खास तौर पे जिनको बहुत ज्यादा एहसास है गरीबों का जो दावे करते हैं वो बताएं इस सूबे के लोगों को कि जब ये जालिमाना फैसले कर काबीना से मंजूर करवाए जा रहे थे एमक्यूएम ने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की, जीडीए ने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की और अब ये ड्रामा करेंगे असेंबली के अंदर थोड़ा बहुत। और सुना है वो जो फ्यूल कार्स के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स था 10%, जिसको उन्होंने 15% कर दिया है, उस पर इनके पेट में थोड़ा मरोड़ उठा। नहीं जी ये तो बहुत ज्यादा है, दवाइयां भले महंगी कर दो, मशीनरी जो आ रही है वो भले महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा होता रहे, गैस लोगों को ना मिले, डॉलर महंगा होता रहे, आटा महंगा होता रहे, चीनी महंगी होती रहे, हमारे मुंह से लफ्ज ही निकलेगा, लेकिन जो 5% विदहोल्डिंग टैक्स आप मोबाइल फोन के कॉल पे बढ़ा रहे हो उस पर दुनिया को दिखाने के लिए एक ड्रामा किया गया जिस पर हमने बात की और उस पर वजीर आजम ने कहा कमेटी बना देते हैं ये भी ऐसी काम उतर जाएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि मोबाइल फोन कॉल्स पर जो विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा हुआ है वो भी वापस नहीं होने वाला, वो 15। जी नाज़रीन अवां के आगा कहीं पिया सदस्यमा वारे सूबाई वज़ीर सैयद कनी सहवायत एम के एम के लिसानी जड़े जो टास्क ॾिनो वियो आहे कराची जो वचो वचो जाने थो तो एम के एम वारा केतरा शरीफ आहिन कराची में मीडिया से गाल बोल कंदे सैयद कनी चयो तो वज़ीर आसम एम के एम वारन के नफीस माण्हू चई शराफत जो सर्टिफिकेट ॾेई छॾियो आहे करंट अकाउंट खसारे जो पुछण ते चवन था त तरक्की थी रही आहे।